बैन लगा दिया, 5 साल का बैन है। पीएफआई के फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन पे बैन है, सिर्फ एसडीपीआई को छोड़ के सारी जो संस्थाएं हैं पीएफआई से जुड़ी हुई उन पे बैन लगा दिया गया। देखिए मैं एक स्टेटमेंट अंग्रेजी में मैं पढ़ देता हूँ आपके सामने कि व्हाइल आई हैव ऑलवेज अपोज्ड पीएफआईज एक्सट्रीम एंड रेडिकल अप्रोच, आई हैव ऑलवेज सपोर्टेड डेमोक्रेटिक अप्रोच। दिस बैन ऑन पीएफआई cannot be supported because actions of some individuals who commit crime does not mean that the organization itself must be banned. Supreme Court has also held that mere association with an organization is not enough to convict someone. A draconian ban of this kind is dangerous as it is a ban on any Muslim who wishes to speak his mind. The way Indian electoral autarky is approaching fascism, every Muslim youth will now be arrested with a PFI pamphlet under India's black law UAPA. Muslims have spent decades in prison before being acquitted by courts. I have opposed UAPA and will always oppose all the action under UAPA. It runs afoul the principles of liberty, which is part of the basic structure of the Constitution. We should remember that Congress amended UAPA to make it stringent, and when BJP amended the law to make it even more draconian, and at that time the Congress supported it. This case will follow the timeline of Kappan, where any activist or journalist is randomly arrested and takes 2 years to even get bail. How come PFI is banned but organizations associated with convicts of Khwaja Ajmeri bomb blast are not? Why has government not banned right-wing majoritarian organizations? This is my statement on this recent ban issue. सर माउंटेन ऑफ एविडेंस मिला है, जिस प्रकार से यूनियन होम मिनिस्ट्री ने दो रेड किए हैं, तो जबरदस्त एविडेंस मिला है पीएफआई के खिलाफ, किस प्रकार से देश विरोधी गतिविधियां वो कर रहे थे उसके चलते उनको बैन किया गया है। मेरा स्टेटमेंट जो मैं पढ़ा हूँ फिर से दोबारा पढ़ सकता हूँ आपके लिए हिंदी में, लेकिन नहीं आपके लिए मैं सिर्फ अपना स्टेटमेंट पढ़ूंगा, मैं अगर आप चाहें तो हिंदी में पढ़ दूँ आपके लिए, आपके हिंदी में पढ़ना है तो पढ़ दो, तो हिंदी में आपके लिए सुन लीजिए ताकि हिंदी में आपको आसानी हो जाए। हाँ जी जी जरूर सही है, मैं आपकी काबिलियत पर भरोसा नहीं कर रहा हूँ, बट लेकिन आप अपोज क्यों कर रहे हैं? नहीं वाइल सुनिए, सुन लीजिए ना, मैंने हमेशा पीएफआई की जो ये रेडिकल एक्सट्रीम अप्रोच है उसका हमेशा मैं अपोज किया हूँ और करता रहूँगा चाहे कोई रेडिकल एक्सट्रीम अप्रोच अडॉप्ट करेगा, मगर ये बैन इसलिए हम सपोर्ट नहीं कर सकते क्योंकि चंद इंडिविजुअल अगर कोई क्राइम करते हैं उस बिना पर अगर आप ऑर्गेनाइजेशन को बैन करेंगे, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि मियर एसोसिएशन विद एन ऑर्गेनाइजेशन इज नॉट इनफ टू कन्विक्ट समवन। ये जो ड्रेकोनियन बैन जो लगाया गया है ये मुस्तकबिल के लिए डेंजरस चीज़ है, क्योंकि आप ये कहना चाहेंगे कोई भी मुसलमान अपनी दिल में जो बात है जहन में बात है वो ना करे, और जिस तरीके से हमारी इलेक्ट्रल जमहूरियत चल रही है वो फासिज्म के करीब जा चुकी है, तो अब कोई भी नौजवान मुसलमान अपनी बात को रखेगा तो आप एक पैम्फलेट निकाल देंगे पीएफआई का और फिर वो जो काला कानून है यूएपीए का उसको इस्तेमाल करेंगे, और इस यूएपीए के कानून में कई मुसलमान बरसों जेल में रहते हैं उसके बाद कोर्ट उनको बरी करता है। मैं हमेशा यूएपीए को अपोज किया हूँ और उसको अपोज करता रहूँगा क्योंकि यूएपीए का कानून हमारे संविधान के प्रिंसिपल ऑफ लिबर्टी जो हमारे संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है उसके खिलाफ जाता है। ये जो केस होगा इस तरह जो केसेस मुस्तकबिल में बुक होंगे नौजवान उसमें बुक होंगे तो वो सेम सिद्दीक कप्पन की टाइमलाइन को फॉलो करेगा और उनको 2-3 साल लगेंगे बेल मिलने के लिए। हमारा सरकार से पूछना ये है कि ख्वाजा अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह पर जो बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था जिसमें मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी का एक कोली चौकी हकीम पेट का रहने वाला उसकी मौत हुई थी, उसमें 2 लोगों को कन्विक किया गया कोर्ट ने, वो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ताल्लुक है उनका बताइए, कोर्ट का जजमेंट कह रहा है और उस ऑर्गेनाइजेशन को तो आप बैन नहीं करेंगे, तो इसीलिए ये हमारा इस पर ये कहना है। अब मैं सवालात नहीं लूँगा, ये पार्टी का आप चाह रहे थे कि पार्टी का इसमें स्टैंड क्या है ये आपके सामने खुल के रखा हूँ। रेडिकलाइजेशन हो एक्सट्रीमिज़म हो हम उसका अपोज करते आए हैं, चाहे रेडिकलाइजेशन एक्सट्रीम कोई भी करो कोई ऑर्गेनाइजेशन करो हम उसका अपोज करते आए हैं, मगर जब बैन कर रहे हैं तो इन चीज़ों को भी ध्यान में रखना चाहिए था। सर कुछ पॉलिटिकल पार्टीज ने ये बोला है कि आरएसएस पीएफआई आरएसएस के पैरेलल अपने आप को मानती थी कि आरएसएस की तरीके से संगठन जो राइट विंग जो रेडिकल ऑर्गेनाइजेशन जो राइट विंग हो मिडिल विंग हो सेंटर विंग हो कोई विंग हो जो भी रेडिकलाइजेशन और एक्सट्रीमिज्म की तरफ किसी को लेकर जाता है उसको अपोज करने की ज़रूरत है। और अगर आप ये कह रहे हैं
कि रेडिकलाइजेशन सिर्फ एक तरफ हो रहा है, नहीं, रेडिकलाइजेशन हर तरफ हो रहा है। I would apologize to you. I have decided to read a statement. In my statement, I have mentioned the conviction of those people who had bombed Khwaja Ajmeri Darga. The world knows to which organization those two people belong, to the convicted people. There is a conviction, and the court has given the conviction. राइट विंग में बहुत से हैं ना, राइट विंग में बहुत से हैं। अब तो कोर्ट भी ऑर्गेनाइज, टीवी को बोला कि आप लोग देख के बोलो, बहुत सी बातें कोर्ट ने कही है। और हाँ, राइट विंग में बहुत से हैं जिसमें मैं नहीं हूँ। अब ये देखिए, शहबाज अंसारी मंदार झारखंड के बच्चे को, उसको लिंचिंग हो गई। अब ये रेडिकलाइज कौन कर रहा है इन लोगों को, ये बताइए ना, यही तो मेरा सवाल है। इनको रेडिकलाइज कौन कर रहा है कि वो शहबाज अंसारी, उसके ये जो जानकार हैं, ये लोग जो एलेज एक्यूज हैं, ये रेडिकलाइजेशन देश को बर्बाद कर रहा है। क्या शहबाज को इंसाफ मिलेगा, या फिर बीजेपी इन लोगों को भी जो एक्यूज हैं उनको फिर फूलमाला पहना देगी? तो झारखंड की सरकार की जिम्मेदारी है कि इस पर सख्त एक्शन ले, और वो पीड़ित परिवार से कोई मंत्री जाकर मिले, उनको यकीन दिलाए कि इनसे इंसाफ होगा और उनकी मदद करना। मगर ये रेडिकलाइजेशन है, ये शहबाज अंसारी की मौत, उसका कत्ल, लिंचिंग, ये रेडिकलाइजेशन है, एक्सट्रीमिज्म है। ये धर्म संसद में क्या क्या नहीं बोला गया, ये सब रेडिकलाइजेशन हो रहा है। हाँ, तो आपको पुलिस, आपको आपको आप तमाम ने हमारे MLAs का स्टेटमेंट आपने कैरी किया, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। वो उसी वक्त गए, उसका कंडेम किए, उन लोगों को इंस्ट्रूमेंट थे हमारे MLA, वो जो हरकत, गंदी हरकत किए, उनको अरेस्ट भी करवाए। पुलिस का स्टेटमेंट भी है, पुलिस को भी एक्शन लेना चाहिए, डीप जाना चाहिए कौन है। ठीक है सर।